बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ मैं करती हूँ जी अपनी वीडियो स्टार्ट। और आज मैं बना रही हूँ जी प्लेन केक। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आप एक बाउल लें, उसमें ऑयल डाल लें और ऑयल डाल लें, मक्खन डाल लें, मतलब रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ हो वो डाल सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डालकर आपने फिर इस तरह से एग जो लेने हैं वो डाल लेने हैं और फिर चीनी डाल देनी है, उसमें आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है और वनीला पाउडर डालना है, ठीक है। वनीला एसेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है, मेरे पास नहीं था। बस जी, फिर आपने एक स्पैचुला लेना है और पकड़ के इसको खूब हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, और हिला हिला के अंडों को और ऑयल को और जो चीज़ें डाली हैं उन सबको एक जान कर देना है। इतना इनमें प्यार आ जाना है बस, कि फिर इन्होंने तो किसी और को पहचाना ही नहीं है ना, इतना इन दोनों ने इन सब चीज़ों ने एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाना है, खो जाना है। अच्छा जी, खैर, बस फिर ज़रा आपको हाथ की मेहनत करनी पड़ती है, हाथ की मेहनत और हाथ चलाओ और फिर बस इस तरह से इसको कर लेना है। देन फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं बादाम, जो कि आपने पहले से भिगो के रखे होंगे ना, तो वो डाल देने हैं आपने। फिर तिल लेने हैं, तिल डाल देने हैं, और ये है जी हमारे चोको चिप्स डाल देनी है। फिर इलायची पाउडर डाल देना है, बस इलायची पाउडर और चोको चिप्स और तिल और बादाम डाल के इस तरह से खूब इसको हिलाना है और इनको हिला के बस एक जान कर देना है फिर से, मतलब जो बाकी चीज़ें एक जान हुई होंगी ना उनमें ये चीज़ें डाल के इनको भी इनकी जान बना देना है। खैर जी, फिर इसमें डालना है आपने मैदे में, मैदे एक साइड पे आपने बाउल में रख लेना, उसमें आपने ना थोड़ा सा नमक ऐड करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सॉल्ट ऐड करके बस फिर उसको इस मिक्सचर में अच्छे से जज्ब कर देना है, हिलाना है, और इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार सी खूबसूरत सी डो बना लेनी है। ना तो वो ज़्यादा सख्त बनानी है, ना ज़्यादा नरम बना रही है, मतलब अच्छी सी बना लेनी है। इस तरह से खूब इसको हिलाना है, तो गूंदना है आटे को, ठीक है, मल लेना है हाथों की मदद से। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको चाय के साथ भी खा भी सकते हैं। खैर जी, जब कोई स्प्राइट पी ले तो फिर अजीब व गरीब की मज़े लेने का जो बात में एक होता है ना वो भी आता है, तो वो मेरे हस्बैंड साहब ने बीच में डकार भी लिया, आपको आवाज़ आई होगी। खैर, वो फिर चले गए वापस। अच्छा जी, डो को अच्छे से आपने गूंथ लेना है और फिर बस देख लें आप कितनी अच्छी सी डो बनी है हमारी, ठीक है। इस तरह से फिर करके उसको आपने रूम टेम्परेचर पर ही 10 मिनट के लिए रेस्ट देना, ठीक है। तो एक साइड पे इस तरह से फिर उसको बेल के ना लंबे लंबे रूप में, तो इस तरह से उसके छोटे छोटे से आपने पेड़े टाइप बना लेने हैं, क्योंकि हम इसको लंबाई में इसको शेप देनी है। इस तरह से इसको गोल गोल आपने बेल लेना है और इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से लंबाई में गोल गोल आपने बना लेनी है। तो बाद में एक साइड पे आप देख रहे होंगे मैंने एक बाउल में वो लिया था एग, येलो एग जो होता है ना वो ली थी, एग की जर्दी, अंडे की जर्दी, और इसमें थोड़ा सा ऑयल और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था मैदा, तो उसको मैंने इस तरह बना लिया था एक मज़ेदार सा प्यारा सा। इसके ऊपर लगाने के लिए जो हमने अपने बनाने हैं प्लेन केक जो बनाने हैं उसके ऊपर लगाने के लिए बनाया था। तो खैर जी, हमारे जो ये हैं ऐसे रेडी हो जाएंगे जब, तो फिर इनको हमने एक प्लेट में या ट्रे में उसको रख देना है, बटर पेपर पहले लगाना है ट्रे के अंदर और उसके ऊपर इन सबको रख के, और उसके ऊपर बाद में ये जो मैंने बैटर अलग से बना के रखा हुआ था ऑयल का, ये हमने लगाना है और इसको फिर करना है हमने बेक, और बेक करके फिर हमने इसको करना है कटिंग, और ये बड़े मज़ेदार से बड़े प्यारे से बन के रेडी हो जाएंगे हमारे। तो आप इनको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और घर में खुद भी खा सकते हैं, जैसे दिल करे कर सकते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार और बड़े लजीज से बनते हैं सऊदी अरबिया में। इधर से अगर हम बाय करते हैं ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं ये, तो घर में बनाएं सस्ते भी पड़ते हैं और मज़े के भी होते हैं। अच्छा जी, आपने इस तरह से इनके ऊपर लगा देना है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बाद में हमने इस तरह फोक की हेल्प से शेप भी देनी है, ठीक है। इनके ऊपर अच्छी सी शेप आ जाएगी,
अच्छी लगती है, ठीक है। और जब ये बेक हो जाएंगे तो ये इतने छोटे छोटे से नहीं नज़र आएंगे, ये बड़े बड़े सारे फूल जाने हैं। तो फिर आप इसको कटिंग करेंगे तो साइडों पर ये जो है ना हमारी जो फोक की हेल्प से हमने शेप दी हुई है ये बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप ज़रा इनको 2 मिनट के लिए रखा है सेट होने के लिए, फिर जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर हमने इसको रख दिया था मैंने ओवन में। और ये देखें जी ये माशाल्लाह से ओवन में रख दिए हैं बेक होने के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह से ये बेक हो चुके हैं, और जो हमारे रोल थे हमने बना के रखे थे बेक होने के लिए, ये बेक हो चुके हैं। और देखें क्या कितना प्यारा कलर आया है, और इनकी शेप भी चेंज हो गई है, मोटी मोटी सी शेप हो गई है इनकी, फूल गए हैं ये। तो बस जी इनके जो शेप थी वो चेंज हो गई है, फूल गए हैं और बड़े बड़े हो गए हैं। तो फिर बस हमने इस तरह से इनको कटिंग कर लेना है, और कटिंग करके फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं, और 1 मंथ के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको दोनों जनों की तमाम खुशियाँ अदा करें, अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम अपना फजल अदा करें, और अल्लाह पाक हम सबको एक अच्छा और नेक इंसान बनाए। अल्लाह पाक हम सबकी मगफरत फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, फी मानिला एंड जज़ाकल्लाह खैर।